हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आज हम जानेंगे 14 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले 14 दिसंबर 2018 का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको मैं ऑनलाइनर का फॉर्मेट में बना दिया हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन व्हिच डेट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट पे जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर ऑब्जर्व एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। सेकेंड क्वेश्चन, येस बैंक नेम्ड हुम एज इंटरिम चेयरमैन, तो इंटरिम चेयरमैन के रूप में येस बैंक ने किसको अपॉइंटमेंट किए है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त जो है वो येस बैंक का इंटरिम चेयरमैन है। थर्ड क्वेश्चन, 39th गोल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल समिति हेल्ड इन हुई सिटी, तो कौन सी सिटी में जो 39th गोल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल समिति हो रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रियाद। तो रियाद जो कि सऊद अरबिया में है वहाँ पे 39th गोल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल समिति होगा। फोर्थ क्वेश्चन, अशोक गहलोत टू बी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट, तो कौन सी स्टेट के न्यू चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान। तो राजस्थान का जो न्यू चीफ मिनिस्टर है उनके नाम है अशोक गहलोत। फिफ्थ क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, तो FTII का न्यू प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रिजेंद्र पाल सिंह। तो ब्रिजेंद्र पाल सिंह जो है वो अपॉइंटेड हुए हैं प्रेसिडेंट के रूम में, कौन सी में? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिया एंड ADB साइन 60 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर व्हिच स्टेट, तो कौन सी स्टेट के लिए जो इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 60 मिलियन लोन एग्रीमेंट किए है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आसाम। तो आसाम के लिए $60 मिलियन लोन एग्रीमेंट इंडिया ने ADB के साथ किया है। सेवेंथ क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशनल इन व्हिच कंट्री, तो कौन सी कंट्री में जो वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशनल हो रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूसिया। एट्थ क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हिच कंट्री, तो कौन सी कंट्री के यूनिवर्सिटी से जो स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी को रिमूव कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घाना। तो घाना जो कंट्री है उसके जो यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी स्टैचू को रिमूव कर दिया गया है। और इस वीडियो का PDF का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ऐसे ही डेली अपडेटेड करेंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।